अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ कोर्स का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि मैट्रिसेस क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पेश की गई, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन अच्छा, दो तीन बातें आप जहन नशीन कर दें कि जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स हो, जो भी चीज़, जो भी डिफिनेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, उनके मैथमेटिकल फॉर्म्स हो, उन सारी चीज़ें आप अपने साथ नोट पैड्स या कापी निकाल के उसमें आपने नोट किया करना है। और जो मैं ओवरली बता रहा हूँ तो उसमें भी बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए एमसीक्यूज हो सकते हैं, तो शायद आप वो वीडियो को स्टॉप करके उसके भी साथ रजिस्टर में लिख कर करें कि आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन करते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स तो मैं सिंपल सा डिफिनीशन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके डिफिनीशन करूँगा कि जैसे हम छोटे बच्चों को बताते हैं कि द स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊँगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाऊँगा। लेकिन पहले ये सिंपल डिफिनीशन आप साथ लिख लें। इस कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है, आप उसको खुद भी याद कर सकते हो, बहुत ईजीली है कि द स्टडी ऑफ नंबर्स, द ऑपरेशन ऑन नंबर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा इस कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो ये तो सिंपल चीज़ है कि मैथमेटिक्स में हम नंबर पढ़ते हैं, लेकिन ऑपरेशंस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइक हमारे पास है 2 + let's suppose 3 = 5, मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन से ऑपरेशन हो रहा है? यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। क्या मतलब? ये जो हमारे साथ प्लस सिंबल है इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास ऑपरेशन करते हैं। किस चीज़ के ऑपरेशन करते हैं? एडिशन की। सेकेंड थिंग, ये जो हमारे साथ कांस्टेंट नंबर है, ये 2 और 3, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन ऑपरेंड्स, जिस पे ऑपरेशन किया जाता है उसे कहते हैं ऑपरेंड्स। ये रिजल्ट है। और ये जो हमारे पास इक्वलिटी साइन है, ये भी हमारे पास ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? ये इक्वलिटी ऑपरेटर है। ये हमारे साथ इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या पैदा होता है स्टूडेंट्स के माइंड में? क्वेश्चन ये होता है कि सर, अगर मैथमेटिक्स ओनली द स्टडी ऑफ नंबर्स है, तो फिर हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, हम मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, हम ग्राफ्स पढ़ते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पर जाऊँगा, क्योंकि नंबर्स मैथमेटिक्स में नंबर्स को स्टडी करना इज़ नॉट ओनली द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट। जितनी एप्लीकेशंस नंबर से हमें मिलते हैं, हम सारे को स्टडी करते हैं। लेकिन ये सिंपल डेफिनेशन ये साथ लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको साथ नोट कर दें, फिर वीडियो को शुरू कर दें। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इससे जो मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है उसको लिख के डेफिनेशन नंबर 1, अब मैं डेफिनेशन नंबर 2 करता हूँ, इसमें वो सारी चीज़ें कवर होती है। तो ये है डेफिनेशन नंबर 2, अब इसमें वो सारी चीज़ें तकरीबन कवर हो गई है।
नंबर्स ये तो पहले डिफिनेशन में भी मौजूद था, लेकिन अब इसके बाद मैग्नीट्यूड्स, क्वांटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज हमारे पास है 2 मीटर, तो 2 मीटर तो ओनली नंबर नहीं है, क्योंकि ये नंबर है, दिस इज नंबर, और ये हमारे पास यूनिट है, और ये हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ये तो भी मैथमेटिक्स में आ सकता है, अगर डिफरेंस क्वांटिटीज है, लेट्स सपोज एक बॉडी की वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, और हम उसको मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, तो ये चीज़ तो हम स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज 2 मीटर प्लस 2 मीटर, लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट से, तो इससे हमें रिजल्ट मिलता है 4 मीटर। तो ये मैग्नीट्यूड्स है। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटी, ड्राउट क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज है हम उसको पढ़ते हैं, एंड द रिलेशनशिप्स। तो क्या रिलेशनशिप है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, इसका क्या रिलेशनशिप है, अब टाइम का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, वेलोसिटी है, स्पीड है, इनमें ये मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी बीच रिलेशनशिप है। नंबर जो है, आप लेट सपोज ये 2 मीटर, लेट सपोज 2 मीटर है, अब मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि ये 4 मीटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, यूनिट को चेंज नहीं करता, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। दिस इज आवर एम इन दिस क्लास। आज हम इस क्लास में असल में इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों की बारे में मैं बताऊँगा। बस आप लोग मेरे साथ रहें और वीडियो को स्किप नहीं करने हैं, कि बिकॉज ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये चीज़ें आप लोगों को याद हो गई तो तब आप लोग और सारी चीज़ें याद भी कर सकते हैं। आगे जाके हम मैट्रिसेस पर मुख्तलिफ कस्म ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 17 चैप्टर्स है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि विद इन 6 मंथ ये कोर्स मैं कवर कर लूँ, और फिर इसके बाद 9th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैट्रिक के जितने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है इंशाल्लाह हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच फ्रॉम टुडे। ओके, अच्छा मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस किसने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले मैं उस साइंटिस्ट का नाम लिखता हूँ, उस बंदी का नाम लिखता हूँ जिसने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हर्षद ख्याली जो एक साइंटिस्ट था, इस बंदे ने अब मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था 1860 में। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैट्रिसेस की क्या ज़रूरत थी और इसकी एप्लीकेशन क्या है? आज हम कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है मैट्रिसेस की वजह से? तो सुने, मैं थोड़ा सा हेडिंग करता हूँ एप्लीकेशंस, और वन बाय वन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन में सारी चीज़ कवर हो जाएंगी कि क्यों हम मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, तो क्या एप्लीकेशंस है? नंबर वन जो हमारे साथ एप्लीकेशंस है कि मैट्रिसेस जो है यूज्ड, आप हेडिंग कर दें कि एप्लीकेशंस आप मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स इसका सिंगुलर है, फिर मैट्रिसेस का प्लूरल है, इसको हम लेक्चर में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, हम इंशाल्लाह उसको बाकायदा शुरू कर लेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्टिव क्लास है जिसमें मैं सिर्फ बताऊंगा कि यूज़ कहाँ होते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैट्रिसेस की कि यूज इन कंप्यूटर और नेटवर्क्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे साथ जब हम किसी कंप्यूटर के लिए है, हम उसकी कीबोर्ड्स को प्रोग्राम करते हैं, उसको प्रोग्राम करना हम मैट्रिसेस के ज़रिए करते हैं। हमारे साथ ये सारा कीबोर्ड होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने
रोज़ को भी पॉइंट करने होते हैं और रोज़ हमारे साथ होते हैं, ब्रेव हमारे साथ इस तरह निजी कॉलम्स होते हैं, तो हम इस तरीके से उसको प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा जो गूगल्स है, तो गूगल्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डेटा है, इसमें पिक्चर्स है, वीडियोस है, लिंक्स है, जितनी भी चीज़ें गूगल्स में मौजूद है, तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मौजूद होती है। उसमें हमारे साथ मिलियंस आप इसमें रोज़ होते हैं, मिलियन आप रोज़ इस तरह कॉलम्स होते हैं, तो हम जब चीज़ को सर्च करते हैं तो वो प्रॉपर कॉलम और प्रॉपर उस रो में मौजूद होती है जो हम पॉइंट आउट करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा सेकंड एप्लीकेशन, इसके अलावा जो सेकंड एप्लीकेशन है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है कि यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम सर्किट पढ़ते हैं, तो सर्किट जो हमारे साथ होते हैं उसमें हम लूप्स पढ़ते हैं, आप लोग फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी में जहाँ पर हम केवीएल और केसीएल को यूज़ करते हैं, तो केवीएल में हमारे पास लूप्स और इक्वेशन बनते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी छोटी लेवल है, वहाँ पर दो इक्वेशन या मैक्सिमम थ्री इक्वेशंस एक सर्किट से बनाते हैं जिसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं इसमें मोर देन थ्री एंड फाइव, लेट सपोज हमारे पास 10 इक्वेशन है, तो उसके पर हम किस तरह सॉल्व करते हैं? अब लेट सपोज हमारे पास ये टू इक्वेशन है, तो हमें एक्स भी चाहिए, हमें वाई भी चाहिए, तो इनको तो हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स और वाई को। इस तरह अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू, तो इनको तो हम सिंपली हाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर दें इसकी वैल्यू इधर से, आप इसको एक्सप्रेशन कर दें माइनस टू वाई प्लस वन, फिर इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी वन, और फिर इसको वाई को इक्वेशन नंबर वन में रखे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी थ्री। तो एक्स भी हम पॉइंट कर सकते हैं और वाई भी हम पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज हमारे साथ अगर इक्वेशन है, 10 इक्वेशन है, तो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू एक्स टेन, तो किस तरह हम इसको पॉइंट करेंगे? ये तो मैनुअल तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये अब मैट्रिसेस के एप्लीकेशन से, कहाँ पर? जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इस तरह का लूप्स हमारे साथ बनते हैं और फिर हम इसको मैटलैब में सॉल्व करते हैं। मैटलैब हमारे पास कंप्यूटर में एक ऐप है जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, और हमें सारी ये वैल्यू दे देती है। तो मैट्रिक्स के तो ये एप्लीकेशन हो गए। अब मैट्रिक्स है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा कि मैट्रिक्स हमारे पास है क्या। ये तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। तो मैट्रिक्स इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो नंबर के साथ रिलेटेड हो और इक्वेशन भी उनकी मौजूद हो, तो जो हमारे लिए मैनुअल पॉसिबल नहीं था, इसको हम मैट्रिक्स के जरिए करते हैं। तो असल में मैट्रिक्स जो है ये सिंपलिसिटी देता है कैलकुलेशन में, यानी मैट्रिक्स का जो एम है द कैलकुलेशन ऑफ समथिंग विच इज़ अ डिफिकल्ट फॉर अस, राइट? तो हम इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास, मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, एक इक्वेशन में बताता हूँ, एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये शायद आप लोगों को देखा हुई इक्वेशन कि ये हमारे साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए है। अब लेट सपोज इधर एक पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है, और बीच में से मान के चले बीच में से ऐसा समंदर है, बड़ा समंदर है, और इधर से लेकर इधर तक आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस क्या आप अगर इधर राशि भी नहीं बांट सकते, इसको आप ऐसे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ये डिस्टेंस आप पॉइंट नहीं कर सकते इजीली, तो क्या करते हैं हम? इधर लेट सपोज एक बॉडी छोड़ते हैं, वो बॉडी जिसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो और जिसमें जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, हम उसको एक्सक्लूड करके फिर हम बताते हैं कि अगर हम इधर शूट करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये जो बॉडी है इधर आ गई, तो हम क्या करते हैं? हम इसकी पहले वेलोसिटी हम नोट करते हैं, टाइम कितना लिया, हम इसका टाइम नोट करते हैं, लेट सपोज 2 सेकंड का टाइम लिया, और इसकी जो स्पीड है, स्पीड लेट सपोज 100 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस हमारे साथ क्या होगी? सिंपली हम इसको क्या करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, तो सिंपली ये 200 मीटर हो जाएगा, तो हमारे साथ डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। अब ये एस इज इक्वल टू वी टी, तो हमारे साथ फार्मूला है, तो ये हमें सिंपलिसिटी देता है कि ताकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें। बाकी ये एस इज इक्वल टू वी टी एक फार्मूला है, एक तरीका है, एक मेथड है, ये तो कोई अलग बिल्डिंग नहीं है कि हम इसके ज़रिए वो चीज़ें बनाते हैं।
ये तो हमारे साथ कैलकुलेशन करते हैं, सिंपलिसिटी दे देते हैं कि आपने ये करना है ये करना है। तो सिमिलरली मैट्रिक्स जो है हमारे साथ कैलकुलेशन में हमें आसानी देता है और जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ जो है वैसे पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस और इसके बारे में जो इसके अंदर है हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर में पढ़ेंगे मैट्रिक्स डेफिनेशंस और इसमें रोज कॉलम्स मैट्रिक्स की क्या एस्पेक्ट से डेफिनेशन किया है, इसको रेक्टेंगुलर अरे नंबर्स क्यों कहते हैं, स्क्वेयर नंबर अरेज़ को क्यों नहीं कहते, ये सारी चीज़ें हैं जो लॉजिकल पॉइंट्स से। और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि पहली क्लास है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये है कि जब कोर्स का आगाज़ होता है तो पहले लेक्चर जो है वो होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्टिंग हो। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे और अपनी वीडियोज़ को स्किप नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंटिन्यूसली देखना है। इंशाल्लाह आपको किसी दूसरे टीचर की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं। और मैं KPK बुक्स को फॉलो करूँगा ज़्यादातर और हमारे साथ जो फेडरल स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह मैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा टॉपिक्स मैं एक्सटेंशन करूँगा और इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि उसके भी कंसेप्ट और टॉपिक्स कवर हो जाए। लेकिन मैं फॉलो करूँगा KPK बुक्स को क्योंकि जो इसकी एक्सरसाइज है एग्जाम्पल्स है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एम्स इन सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।